भारत में खेले जाने वाले क्रिकेट लीग यानी IPL को खूब पसंद किया जाता है। वहीं BCCI अब महिला IPL भी लाने जा रहा है, जिसका आयोजन इसी साल 2023 में होगा। और BCCI को उम्मीद है कि यह भी पुरुष IPL जितना ही सफल होगा। बता दें कि BCCI ने महिला IPL की 5 टीमों के लिए कल यानी बुधवार को नीलामी भी रखी है, जिससे उसे कम से कम 4,000 करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद है। और इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि महिला IPL टीमों को खरीदने के लिए टॉप बिजनेस घरानों ने दिलचस्पी दिखाई है। वहीं मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार टीमों के लिए लगने वाली इस नीलामी में प्रत्येक टीम के 500 से 600 करोड़ रुपए में बिकने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि नीलामी से पहले सामने आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला IPL में काफी संभावना है, जिसकी वजह से कुछ टीमों की बोली 500 से 800 करोड़ रुपए तक लग सकती है। दरअसल महिला इंडियन प्रीमियर लीग की टीमों को खरीदने के लिए 30 से ज्यादा कंपनियों ने 5 करोड़ रुपए के ऑक्शन डॉक्यूमेंट्स खरीदे हैं, जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग के पुरुष टीमों मालिकाना हक रखने वाली 10 फ्रेंचाइजियां भी शामिल है। साथ ही नीलामी में बोली लगाने वाली कंपनियों की बात करें तो इसमें अडानी ग्रुप्स, टोरेंट ग्रुप्स, हल्दीराम प्रभुजी, कैप्री ग्लोबल, कोटक और आदित्य बिरला ग्रुप ने भी खरीदारी में दिलचस्पी दिखाई है। तो वहीं इसमें वह कंपनियां भी शामिल है जो 2021 में पुरुष IPL की 2 नई टीमों को खरीदने में नाकाम रही थी। मतलब है कि महिला टीमों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाने वाली IPL फ्रेंचाइजियों में मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का भी नाम शामिल है। वहीं महिला IPL की टीम खरीदने से होने वाले फायदे को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई फ्रेंचाइजी 5 साल के लिए 500 करोड़ रुपए की सफल बोली लगाती है तो वह हर साल 100 करोड़ रुपए का होगा। और जहां सबसे पहले तो BCCI अपने मीडिया प्रसारण अधिकारों के राजस्व को वितरित करता है, जो कि कमाई का एक मुख्य स्रोत है, और दूसरा BCCI के प्रयोजन से मिलने वाला हिस्सा है, जो कि उसकी कमाई का एक और मुख्य स्रोत है। तो तीसरा फ्रेंचाइजी अपने खुद के प्रयोजन से भी कमाई करती है। वहीं चौथा गेट की बिक्री और टिकटों की बिक्री से होने वाली कमाई है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें। और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।